तो 25 अक्टूबर को तीन फिल्में क्लैश होती है, हर हर महादेव, राम सेतु और थैंक गॉड। तो देखो भैया, थैंक गॉड देखने के हमारी तो औकात नहीं, हमें तो समझ में नहीं आने वाला। थैंक गॉड देखने में हमारा दिमाग तो असक्षम है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग उतना वेस्टर्नाइज नहीं हो चुका है, हम उतने मॉडर्न भी नहीं हुए कि चित्रगुप्त को सीजी बोलें। और हर हर महादेव फिल्म देखने की इच्छा थी लेकिन उस फिल्म को लगाया ही नहीं थिएटर्स वालों ने, तो क्या करें, और क्या कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो देखना पड़ा जाके राम सेतु के। देखते हैं कि इस फिल्म में प्रभु श्री रामचंद्र के राम सेतु के बारे में क्या दिखाया गया है। तो राम सेतु के ट्रेलर से ये पता चल गया था कि बॉलीवुड वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ भी उनका मुगल प्रेम और पाकिस्तानी प्रेम देखने को जरूर मिला। मतलब सच में बॉलीवुड को जो नाम मिला है, कराची वुड, उर्दू वुड या फिर जो बीफ वुड कहा जा रहा था, ये जो नाम है सही में किसी कारण से ही मिला हुआ है। नोटिसेबल पॉइंट्स है, सबसे बड़ी बात यही है कि फिल्म में जिस जिस जगह प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लिया गया वहाँ डबिंग करके बाद में श्री राम जोड़ा गया है। आप सीधे सीधे इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से पहले फिल्म में क्या दिखाया जाने वाला था और बाद में कैसे बदलना पड़ा, क्योंकि अक्की भैया को भी अब समझ में आ रहा है कि जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर आदर से नाम नहीं लिया गया तो फिर जनता उनके पीछे हाथ धो के पड़ने ही वाली है। ऐसे भी तीन तीन फ्लॉप तो पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि अक्की भैया तो बहते पानी में हाथ धोने के लिए फेमस ही है, क्योंकि जब जनता को जो डिमांड होता है अक्की भैया उसी प्रकार के तो फिल्में बनाते हैं, जैसे कि देशभक्ति वाले उनके फौज वाली फिल्में बहुत आ रही, तो भले वो रीमेक थी तो क्या हुआ, उसी प्रकार से अब जो है हिंदुइज्म जाग रहा है, सनातन धर्म जो है उदय हो रहा है, तो उसी के प्रति जो है फिल्में ला रहे हैं, क्योंकि जनता से पैसा भी तो वसूलना है भाई। तो फिल्म के कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस फिल्म में जो है हिंदुत्व का ज्ञान देने वाले अक्षय कुमार की पत्नी जो नुसरत भरूचा ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया, वो जो है हिंदुत्व के बारे में अक्षय कुमार को ज्ञान देती है, क्योंकि अक्षय कुमार एक नास्तिक होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि भले वो खुद हिंदुत्व का पालन करती है लेकिन भले वो मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, उनके गले में मंगलसूत्र नहीं होता था। आप देख रहे हो हिंदुत्व का बॉलीवुड में जो है हिंदुत्व का ज्ञान देने वाले कैरेक्टर्स होते कैसे हैं, तो देख रहे हैं आपको हिंदुत्व के बारे में ज्ञान भी देना है और सेक्युलर भी दिखाना है, वाह। और दूसरा जो नोटिसेबल पॉइंट है वही कि बॉलीवुड का जो है मुगल प्रेम जो है अभी भी देखने को ही मिल रहा है, जहाँ है कि फिल्म के शुरुआत में ही आप देखेंगे तो जो लोग जो है फिल्म के शुरुआत में भगवान गौतम बुद्ध के मूर्ति को ध्वस्त करते हुए दिखाया जाता है तालिबान के द्वारा, उसके बाद जो है अक्षय कुमार की टीम पाकिस्तान के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट और अफगानिस्तान के जो है वो वहाँ कुछ खोजने गए होते हैं, तो वहाँ जो है भारत के आर्कियोलॉजिस्ट और पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता था। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान का जो प्रेम है, जो बॉलीवुड का जो पाकिस्तान प्रेम है, वो कहाँ से अलग से देखने को मिल रहा है भाई। पाकिस्तान जो भीख मांग के खा रहे हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो उधारी दूसरे देश से लेके लोन लेके खा रहे हैं, उनके आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ बुलाया गया है, और यहाँ तक कि वो बात तो चलो ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार को बॉक्स मिलता है, राजा दाहिर के समय का जो स्वर्ण मुद्राएं मिलती है, तो उसको देखो लेके वो लोग भाग रहे हैं, पाकिस्तानी को बोल रहे अक्षय कुमार की तुम्हारा भी इतिहास है चलो लेके जाओ, तो भाई ये भी तो पूछ लो किसको मिटाने वाला कौन है, इन इतिहास को मिटाने वाला भी कौन है, वो भी तो पूछ लेते उनसे, बचाने को बोल रहा है और पाकिस्तानी अक्षय कुमार का साथ देता है। मतलब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से फिर से यहाँ ईमानदार दिखाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान तो कभी आतंकवाद को सपोर्ट करता ही नहीं। और इस फिल्म में आगे मैंने तीसरी पॉइंट जो नोटिस की वो है कि अक्षय भैया, अक्की भैया जो है पाकिस्तानी मीडिया के सामने जो है अपना बयान देते हुए कहते हैं कि देखिए मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो नास्तिक है इस फिल्म में, तो वो कहते हैं कि धर्म तोड़ता है संस्कृति जोड़ती है, तो किस तरह का नॉनसेंस चीज़ है आप खुद सोच के देखिए, धर्म तोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है, तो धर्म है तभी तो संस्कृति है भाई, अगर धर्म ही नहीं होगा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने इसका डायलॉग लिखा है, तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने लिखा है कि धर्म तोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है, तो धर्म होगा तभी तो संस्कृति होगी। चौथा आपत्तिजनक पॉइंट जो मैंने इस फिल्म में से नोट किया वो है कि इसमें हम नोटिस कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो नुसरत भरूचा कैरेक्टर जो अक्षय कुमार की पत्नी का रोल प्ले करता है, उसमें कहते हैं कि तुम राम के अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हो, तुम अयोध्या के अस्तित्व को, तुम जो रामायण उसके अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके अस्तित्व को स्वयं मुगलों ने माना है, अकबर ने जो है रामायण का अनुवाद करवाया है, अकबर ने राम श्री राम सिया राम के सिक्के चलाए हैं, तो बॉलीवुड का जो मुगल प्रेम है, जो मुगलों के प्रति उनका जो प्रेम है, वो अलग से देखने को भी मिल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, मुगलों को जो है श्री राम भक्त दिखाया जा रहा है, वो अलग बात है कि अगर आप इतिहास जानते होंगे तो आपको पता है कि श्री राम के अयोध्या को किसने नष्ट भ्रष्ट किया था, वहाँ बाबरी मस्जिद किसने खड़ी की थी, वो इनके चचा बाबर ही तो थे। मतलब सच में कितने नॉनसेंस डायलॉग इन लोगों ने रखे हैं, वही बात है कि मुगलों को तो जो है राष्ट्रभक्त दिखाना है, देश के हित वाले दिखाने, उनके आने से तो हमारा विकास हुआ है भाई। सच में जो हिपोक्रेसी की इनकी जो सीमा है वो अलग ही लेवल की है। और अक्की भैया को क्या है, अपने फिल्म में हमेशा नास्तिक ही होना पड़ता है। सच में भाई बॉलीवुड वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये अपने फिल्म में कहीं आगे चल के ना दिखा दे कि अकबर ही तो है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण करवाने वाला राजा था,
और पांचवा पॉइंट तो है कि कोर्ट जो है भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व का जो प्रमाण ये लोग मानते हैं, लेकिन सबसे जो राम सेतु को तोड़ने के पक्ष में थे उनके पास ये क्या सबूत था कि भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व नहीं है। जबकि आप देख लीजिए वाल्मीकि रामायण में श्री रामचरित मानस में जिन जिन जगह का वर्णन किया गया है वो सभी जगह भारत में, श्रीलंका में और जहाँ जहाँ जिस जगह का वर्णन किया गया वो सभी उपलब्ध है। और भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व के लिए लोग प्रमाण मांगते हैं। इनके पास क्या प्रमाण था कि भगवान श्री रामचंद्र का अस्तित्व नहीं है, वो उसका तो कुछ सबूत पेश ही नहीं किया गया था कोर्ट में। तो छठवां पॉइंट यह है कि अक्की भैया, क्योंकि जो है वो तो नास्तिक थे, अब पता नहीं उनके अंदर क्या ही परिवर्तन आ गया है, अब वो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का, हालांकि इतना सारा हमारे पूरे भारतवर्ष में इतने प्रमाण है उनके अस्तित्व के, लेकिन अक्की भैया कहते हैं कि अगर भगवान तो कोर्ट के द्वारा जो है श्री रामचंद्र के अस्तित्व को नहीं माना जा रहा है तो हम जो है रावण के अस्तित्व को सच सिद्ध कर देते हैं, सच साबित कर देते हैं, जिससे जो है रामायण सच हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र के इतने अनुपम चरित्र को जिसके बारे में बच्चे बच्चे को पता है उसको छोड़ के जो है वो रावण के अस्तित्व को खोजने निकल रहे हैं। वाह क्या बात है, सच में फिल्म में वो लोग क्या खोज रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इस फिल्म को देखने में दो ही सबसे प्रमुख कारण और सबसे अच्छी बात यह रही कि एक तो सबसे पहले आपको श्री राम सेतु के दर्शन करने को मिले, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर जो है भगवान श्री रामचंद्र के उस इंजीनियरिंग को, उस जो बनाया गया वो अनुपम जो सेतु है उसको देख के सच में बहुत हृदय से प्रसन्नता होती है। और दूसरा जो है इस फिल्म का सबसे बड़ा अच्छा जो पॉइंट है वो है कि सत्यदेव का जो कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर जब फिल्म में आता है और जब तक वो फिल्म का कैरेक्टर उनके साथ रहता है तब तक फिल्म हमें देखने में बहुत ही रोचक लगता है, क्योंकि वो जो है मिस्टीरियस कैरेक्टर ही रहता है और लास्ट में उनके बारे में कुछ खुलासा होता है। हालांकि फिल्म में उनके कैरेक्टर का एंट्री होता है तब मुझे तो पर्सनली पता चल गया था कि ये क्या होने वाले हैं, ये कौन होने वाले हैं। वो अलग बात है कि कुछ भारत में रहने वाले विदेशी जो देखने गए थे उनको पता नहीं चल रहा था, मेरे आसपास ही बैठे थे, मतलब भारत में रहने वाले विदेशियों को कहाँ हमारे कल्चर के बारे में पता चलने वाला है। फिल्म में नोटिसेबल सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप देखिए फिल्म में ये कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण में जिस तरह का ग्रह नक्षत्र दिखाया गया भगवान श्री रामचंद्र के जन्म का, वो जो है 5114 BC के आसपास का बैठता है, मतलब उस समय जो है भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था जो कि आज से 7000 वर्ष पहले हुआ था। अर्थात उन्हें जो है राम सेतु का जो उम्र है, जो राम सेतु का जो एज है, तो उसको उन्हें जो है 7000 साल से पुराना साबित करना था। तो वो लोग जाते हैं और उन्हें पत्थर मिलते हैं और उन्हें जो है राम सेतु के कुछ अवशेष मिलते हैं, उसमें जो है 18000 साल पुराने जो उनको कार्बन डेटिंग से पता चलता है, और वही जो है एक पत्थर जो राम सेतु का अक्षय को मान लाता है उसमें जो है 7000 साल पुराना जो है कार्बन डेटिंग से पता चलता है। तो आप देख लीजिए मतलब कोई सेंस है इस बात का कि जो है हमें राम सेतु को बचाने के लिए राम सेतु को केवल 7000 साल पुराना ही सिद्ध करना ये आवश्यक हो गया था फिल्म में, वरना अगर 7000 साल से पुराना होता तो उसे जो है मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं माना जाता, उसे नेचुरल स्ट्रक्चर मान के उसे तोड़ दिया जाता। मतलब आप सोच सकते हैं कि राम सेतु को बचाने के लिए 7000 साल पुराना ही सिद्ध करना आवश्यक था फिल्म में, कोई सेंस है इस बात का? क्योंकि राम सेतु के जो पत्थर हैं वो कुछ 30000 साल पुराने, कुछ 18000 साल पुराने, मतलब ऐसे ऐसे सभी पत्थर जो है अलग अलग उम्र, अलग अलग उनके कार्बन डेटिंग से अलग अलग एज का पता चलता है। और फिल्म में यह दिखाया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म 5114 BC में हुआ था, तो और राम सेतु जो है इसीलिए राम सेतु जो है 7000 साल पुरानी है। तो चलिए ठीक है, फिल्म के हिसाब से अगर हम मान लेते हैं कि रामायण जो है 7000 BC में हुआ था, तो क्या भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारिका नगरी जो है 5000 BC में जो डूब गया, तो भगवान श्री कृष्ण 2000 साल बाद ही फिर से श्री कृष्ण अवतार में वापस आ गए थे? और उसके बाद अगर आप भगवान गौतम बुद्ध को अगर श्रीहरि का अवतार माने, जो कि अगर इनके जो अम्बेडकर जी है वो तो नहीं मानते थे, तो अगर भगवान गौतम बुद्ध को भी आप भगवान श्रीहरि के अवतार में लें तो वो भी जो है कुछ साल बाद जो है फिर से अवतार लेकर धरती पर आ गए थे। मतलब भगवान विष्णु जो है कुछ कुछ वर्षों में, कुछ कुछ हज़ार वर्षों में फिर से अवतार ले लेकर धरती पर आ रहे हैं। मतलब जो हमारे जो पुराणों में जिनके आधार पर इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म तिथि जो है 7000 वर्ष पहले निकाला है, उन्हीं के आधार पर जो है उन्हीं में जो हमारे युग हैं उनको जो है लाखों लाखों वर्ष पुराने माने गए, जहाँ सतयुग को 16 लाख वर्ष, द्वापर युग का 8 लाख वर्ष, मतलब ऐसे जो युग के जो समय है, समय काल है, उनको दिखाया गया है, तो वो झूठ है। फिल्म में जो है वाल्मीकि रामायण के ग्रह नक्षत्रों को देखकर भगवान श्री रामचंद्र की जन्म तिथि जो है 5114 BC में ये लोग बताते हैं, वो भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से, तो वो जो हमारे पुराण है, जो हमारे ऐतिहासिक पुराण है जो लिखे गए हैं उसमें जो है जो युगों का जो वर्णन किया गया है कि लाखों लाखों वर्ष का युग होता है, क्या वो झूठ है? तो ले रहे हो तो दोनों ही चीज़ों को पुराणों से हमारे इतिहास से लो ना, एक चीज़ को क्यों ले रहे हो? इससे तो यही सिद्ध होता है कि अगर फिल्म में जो है राम सेतु जो है 7000 वर्ष से पुराना ही सिद्ध होता तो उसको तोड़ दिया जाता, जबकि हमारे पुराणों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह से हम सालों की गणना करते हैं, वर्षों की गणना करते हैं, वो अलग अलग लोकों में अलग 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 प्रकार से की जाती है। जहां आप देवलोक में जाएंगे तो वहां का एक वर्ष, यहां का 100 वर्ष है, उसी प्रकार से अलग अलग लोकों में जो साल है वो अलग अलग तरह से कटते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरीज में भी बताया गया है।
तो इस तरह से जो है राम सेतु में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नोटिस करने वाले हैं, और आप करना चाहे तो बहुत सारे पॉइंट्स और नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म का खेल यहाँ भी खेला गया है, हिंदुओं के भावनाओं के साथ जो है प्रयोग करके पैसा कमाने का कार्य कर रहे हैं। एक फिल्म में अच्छा वही बात रहा कि श्री राम सेतु के दर्शन हो पाए साक्षात, और जो सत्यदेव का कैरेक्टर है वो तो अच्छा ही था, और उनका भी प्रयोग इसीलिए किया गया है ताकि जो लास्ट में जब हम थिएटर से निकलते हैं तो हम खुशी खुशी निकल सकें और फिल्म की तारीफ कर सकें। तो आपने क्या फिल्म देखा? फिल्म अगर आपने देखा होगा तो आपको कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बने रहे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल के साथ। जय श्री राम।